खरगोन नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों की 4 साल से रुकी परीक्षाओं के साथ ही आदिवासी छात्र संगठन ने विद्यार्थियों की तमाम समस्याओं को लेकर बुधवार को मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। गणेश मंदिर से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई। कलेक्टर गेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम 15 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। विद्यार्थियों ने कहा कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, जिन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए एवं जो बड़ी समस्याएं हैं उसको लेकर उच्च शिक्षा विभाग को अवगत कराकर जल्दी से जल्द पूरा कराया जाए, अन्यथा आंदोलन को बाध्य होंगे। विद्यार्थियों ने बताया कि पिछले 4 साल से नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं लेकिन अब तक परीक्षा नहीं हुई है। परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है एवं हमें भी भविष्य की चिंता सता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। सभी छात्र आए हुए हैं, हमारे 4 साल से ना एग्जाम हो रही है, ना आवास फॉर्म डल रहे हैं, ना स्कॉलर मिल रहे हैं। इससे सभी विद्यार्थी बहुत परेशान है और हमारे घर से इतने सक्षम भी नहीं है कि वो हमको सब खर्चा पूरा रूम किराया सब और राशन का भी दे सके। और हमारी मांगे ये है कि हमारी जल्द से जल्द एग्जाम भी हो और हमारे जो आवास भत्ता है वो भी मिले। अब से एग्जाम 4 साल होने में आ गए हैं, 3.5 साल हो चुके हैं। कितने साल का कोर्स था? 4 साल का कोर्स है और 3.5 साल हो चुके हैं और आगे भी पता नहीं कि हमारी एग्जाम कब होगी। अभी तक एक भी एग्जाम नहीं हुई, अभी भी एक एग्जाम नहीं हुई और सेकेंड ईयर का कोर्स स्टार्ट कर दिया है पढ़ाने को। आपने बात करी थी वहाँ? हाँ, एक बार फिर आए थे और ये दूसरी बार आए हैं, एक बार ज्ञापन सौंप के चले गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकी किराड़े है। ये आदिवासी छात्र संगठन मध्य प्रदेश के नेतृत्व में प्रत्येक जिले में आज ज्ञापन दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम, माननीय कलेक्टर महोदय को। आज जो हमारे विद्यार्थी संवाद यात्रा के माध्यम से 21 जून 2023 से हमारी विद्यार्थी संवाद यात्रा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से शुरू हुई थी और 1 जुलाई 2023 में इंदौर में समापन हुआ। मालवा निमाड़ का दौरा करने के बाद हमारे आदिवासी छात्र संगठन के पदाधिकारी गण के नेतृत्व में निकाली गई थी आदिवासी छात्र संगठन की समस्या को सुनने के लिए कि आदिवासी जो 10 जिले हैं मालवा निमाड़ के, उन 10 जिलों के 37 तहसीलों में दौरा किया गया है आदिवासी छात्र संगठन के द्वारा। उन दौरे के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों की समस्या सुनने को आई और आज इन समस्या को तमाम प्रकार के जो नर्सिंग की समस्या हो, स्टेशनरी की समस्या हो, आवास स्कॉलर की समस्या हो, एग्जाम की समस्या, ऐसे तमाम प्रकार की जो समस्या, उन समस्या को लेकर आज मुख्यमंत्री महोदय के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा। इसमें मांग हमारी है सर कि जो हमारे आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र के गरीब वंचित छात्र जो कृषि प्रधान एरिया से आते हैं, उनकी जो समय पे एग्जाम होनी चाहिए लेकिन वो एग्जाम समय पे नहीं हुई है। स्कॉलर आवास जो हमको समय अवधि में मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। हमारे बीएससी नर्सिंग की दोनों भाई जो है 2020 से अभी एडमिशन लिया है, उनका एनरोलमेंट हुआ है, अभी कोई एग्जाम का पता नहीं है, ना उनको स्कॉलर और आवास मिला है, जो कि 3.5 साल बीत चुके हैं। 4 साल का कोर्स है, आज 3.5 साल बीतने के बाद इसको अगर अपन देखा जाए तो ये 7.5 साल 8 साल में कोर्स जा रहा है। ऐसी समस्या जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, इतने सक्षम नहीं, आर्थिक रूप से इतना माँ बाप के पास पैसा नहीं कि वो रूम का किराया भरकर वो पढ़ा लिखा सके। इन्हीं मोहन भूरिया, आदिवासी छात्र संगठन, जिला अध्यक्ष, खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।